दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे गार्डन में एक कॉर्नर में ये कुम्हड़े का पौधा लगा हुआ है। देखिए, कुम्हड़े की बेल है। कुम्हड़ा मतलब इसे सीताफल भी कहते हैं कई जगह। इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें फ्लावरिंग्स तो स्टार्ट हो गए हैं अभी, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रहा है। फ्रूटिंग जो हो रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो फ्रूट लगा हुआ है, लगा लगा ही सूखता जा रहा है इस तरीके से। और सूखता इसलिए जा रहा है कि इसमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है ढंग से। और देखिए, और दिखाता हूँ मैं आपको भी, ये देखिए, ये भी एक फीमेल फ्लावर है, लेकिन जब तक इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा ये फ्रूट तैयार नहीं होगा, मतलब ये रुकेगा नहीं, ये भी उसी तरह गिर जाएगा। इस तरीके से कई हैं, एक यहाँ भी है, देखिए ये भी फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, इसमें डिफरेंस ये होता है कि मेल फ्लावर के पीछे आपको फ्रूट लगे हुए नहीं दिखेंगे। जैसे इसको देख रहे हैं आप, फ्रूट है पीछे लगा हुआ, ये इसका मतलब ये फीमेल है। और मेल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें पीछे फ्रूट नहीं होते हैं, देखिए फ्रूट नहीं दिख रहा पीछे फ्लावर के पीछे, ये मेल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको मैन्युअली पॉलिनेट करेंगे, जिसके बाद इसका फ्रूट बना रहेगा उसी तरह, और आगे चल के ये बहुत बड़े क्या कहते हैं कुम्हड़ा या सीताफल के बहुत बड़े फूल के रूप में तैयार हो जाएगा। सॉरी, फूल नहीं, फ्रूट, फ्रूट बनेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फ्लावर्स को ओपन करेंगे इस तरीके से। इसके पेटल्स सारे काट देंगे, क्योंकि ये फ्लावर जो है यूजलेस अपने लिए। पेटल्स काटने से क्या होगा कि अंदर की तरफ जो इसमें फ्लावर का जो दिख रहा है आपको अंदर, ये मेल जेनेटिलिया है, जिसको कि एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं इसको। और ये बीच वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, इस पोर्शन को वो जो फीमेल फ्लावर है उसके गाइनोशियम, दोनों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इसमें फ्रूट्स रुकेंगे नहीं। इसलिए इससे पहले अपन ओपन कर लेते हैं पूरा। इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पीले पीले आप जो दिख रहे हैं ना गिरते हुए, ये सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, इन्हीं से फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। अब देखिए इसको किस तरीके से मैं फर्टिलाइज करूंगा। आपने देखा किस तरीके से मैंने मेल फ्लावर को ओपन किया था, उसके बाद आप इस फीमेल फ्लावर को भी ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से हमने इसका फीमेल फ्लावर का जो इनका गाइनोशियम है वो हमने ओपन करके आपको दिखाया। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बीच में फ्लावर के बीच में दिख रहा। अब मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स लेके, पॉलन ग्रेन्स लेने के लिए देखिए हमने किस तरीके का ब्रश तैयार किया है। आपके पास ब्रश है अगर, जिसके कि हेयर्स बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि इनके पार्ट्स जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अब इसके ऊपर रब करना है, देखिए ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के ऊपर मैंने रब किया, देखिए कितने सारे पॉलन ग्रेन्स इसमें आ गए। इस तरीके से केवल वाइप कर लेना है, एक बार वाइप करने से सारे पॉलन ग्रेन्स इस ब्रश के ऊपर आ गए। अब कुछ नहीं करना है, इस ब्रश को
लेके ये वापस अपन ये जो फीमेल पार्ट है जिसमें जो बड लगा हुआ पीछे उसके ऊपर टच कर देना इंक्लिनेशन से इस तरीके से। ये टच कर दिया तो जितने इसके पॉलन ग्रेन्स हैं सारे पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर लग जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये गिरेगा नहीं, इसका बड जो है वो फ्रूट में तैयार हो जाएगा। कॉटन इसलिए लेना है क्योंकि इनके पार्ट्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं और अगर कॉटन के बदले आप किसी और चीज़ से करेंगे तो खराब हो जाएंगे। और इसका फ्रूट तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट अपडेट बिना बताए आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे।